सबको रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई बच्चा? यस यस सर, यस 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 सर। बच्चों, ठीक है। तो पिछले क्लास हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास हमने बोस मॉडल के बारे पढ़ा था, ठीक है ना। एंड हमने ये देखा कि बोस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है ना। उनमें से आपका एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटस होता है, और आपका जो वेवलेंथ और एनर्जी जो क्वांटस हो रहा है, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा कि जो आपका बोस मॉडल है उससे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं। एक हम निकालते हैं रेडियस, एक हम निकालते हैं वेलोसिटी, एंड दूसरा हम निकालते हैं स्पीड के बारे में। हम ये स्पीड के बारे में निकालते हैं, हमने ये देखा था। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूलेस है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि आपका इस फॉर्मूले से आपका एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। खाली आपको क्वेश्चन समझना है, अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपर समझ लिया तो आई गेस कि आप आराम से क्वेश्चन को निकाल लोगे, ठीक है ना। इतना हमने देखा था। अब देखो, हमने ये देखा था कि जब हम थोड़ा वेट करते हैं, बच्चे आ रहे हैं अभी। यस ओके सो बच्चे, हमने ये देखा था जैसे हम कहते हैं एनर्जी का ऑर्बिट बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं क्या होता है। आपका एनर्जी वो कम होता जाता है, वो आपका कम होता जाता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अभी हम ये डिराइव करते हैं कि हम बोर के मॉडल से कि आपका जो आपका रिबर्स ने जो इक्वेशन दिया था, क्या उसको वेरीफाई कर सकते हैं? रिबर्स ने कौन सा इक्वेशन दिया था? उन्होंने ये इक्वेशन दिया था, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2², है ना। रिबर्स ने ये फॉर्मूला दिया था, है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं बच्चों? यस या नो? यस ओके सर, यस सर। अब देखो बच्चों, क्या हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं आपके बोस मॉडल से? तो हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, दैट इज एनर्जी का, दैट इज ई ई एन इक्वल टू माइनस, क्या था फॉर्मूला बच्चों? 13.6, है ना बच्चों? 13.6 इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर स्क्वायर में यूज किया था। अब मान के चलो, अगर मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ E1, तो क्या होगा? आप ये बोलोगे फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन, तो क्या आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे -13.6 इनटू, क्या होगा? जेड तो कॉमन रहेगा, तो आप क्या लिखोगे? जेड स्क्वायर अपॉन N1², क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें हम, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें। अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या होगा? अगर आप बोलोगे E2, तो क्या होगा? आप बोलोगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2², है ना। मैं से सकता हूँ बच्चों, मैं से लिख सकता हूँ, है कि नहीं? ऐसे नो? यस सर। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे निकलना है एनर्जी डिफरेंस, अगर मुझे यहाँ पे निकलना है एनर्जी डिफरेंस, तो क्या करूंगा मैं E2 में C1 को, दैट इज फाइनेंस में इसे करूंगा। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दैट इज डेल ई, क्या होगा? E2 माइनस E1 होगा, है ना। अब क्या बोल सकते हैं आप, कॉमन क्या है? आप ये बोलोगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये कॉमन है। ब्रैकेट में क्या होगा? ब्रैकेट में आपका आएगा, मैं पहले ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ ना, तो क्या होगा? मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, क्या होगा? आप बोलोगे 1/N1² -1/N2² होगा। बच्चों देखो, यहाँ पे जो माइनस था उसको मैंने हटा दिया, और मैंने क्या, मैंने अगर मैं माइनस अगर मैं यहाँ पे माइनस हटा देता तो क्या होता? यहाँ पे आपका N2 होता और यहाँ पे आपका N1 होता, है ना। लेकिन मैंने माइनस अंदर लिया, तो क्या होगा? यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे N1 हो जाएगा, यहाँ पे N2 हो जाएगा। सही है, सही है यस बच्चों? सर, ओके अब देखो, हाँ यस सर। जो हमारा एनर्जी क्या होता है, आप बोलोगे एनर्जी होता है आपका 80/λ, होता कि नहीं होता? ये होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका HC/λ इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2², इससे तो बच्चों लिख सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं इस एससी जो ये मैंने ये जो मेरा प्लैंक क्वेश्चन है सी, अगर मैं इसको क्या करता हूँ डिनोमिनेटर में, क्या होगा? आप ये बोलोगे 1/λ इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में HC इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² लिख सकता हूँ बच्चों, लिख यस सर, सकता हूँ। अब यस देखो, सर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप 13.6 और ये पूरे सॉल्व करोगे, अगर आप ये पूरे को सॉल्व करोगे 13.6 डिवाइड बाई HC करोगे,
आपको क्या वैल्यू मिलेगा, आपको मिलेगा रिवर्स क्वेश्चन, आपको क्या मिलेगा रिवर्स क्वेश्चन मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वन अपन लैमडा इज इक्वल टू आर एच, दैट इज रिवर्स कॉन्स्टेंट इन टू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में वन अपॉन क्या होगा बच्चों, एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखो अगर आपका हाइड्रोजन आइटम है, अगर आपका हाइड्रोजन लगा आइटम मतलब कि अगर हाइड्रोजन तो क्या होगा जेड की वैल्यू वन होगी, अगर मैं आपको देता हूँ आपका हीलियम एच प्लस लिखता हूँ तो क्या होगा आप यहाँ पे आपका जेड की वैल्यू टू आ जाएगा, अगर मैं आप लिखता हूँ जेड की वैल्यू टू आ जाएगा। सिमिलरली अगर मिलता है यहाँ पे एलआई टू प्लस तो क्या होगा आपका यहाँ पे आपका जेड की वैल्यू थ्री आ जाएगा। तो सिमिलर हम क्या बोल सकते हैं ये क्या होगा, ये फोर होगा फॉर एनी अदर एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम कह सकते हैं हम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कर सकते हैं हमने बोर्स के जो एनर्जियल फॉर्मूला था हमने ये क्या आपका रिबोशन का वैल्यू हमने फाइंड किया, कौन सा जो आपका इससे एल्मोस्ट सिमिलर है, आपका एल्मोस्ट सिमिलर कब होगा अगर हम क्या करेंगे अगर हम जेड कोन लेंगे, अगर हम जेड कोन क्या होगा आपका आपका एग्जैक्ट सेम इक्वेशन में मिल जाएगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, इजी डन। यस सर वंशिका ललित अलौकिक आर्यन लबैना मीनाक्षी बेटा सबको समझ में आया वाला पार्ट ये यस हमने किया। यस सर देखो ये हमने पहले जनरल फॉर्म लिखा, ये हमने जनरल फॉर्म लिखा, फिर हमने क्या किया फिर हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, फिर हमने सेकंड के लिए हमने किया, हमने क्या किया उसका डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिला डेल्टा दैट इज चेंज इन एनर्जी मिला। आपका चेंज इन क्या होता है दैट इज नथिंग बट एच सी अपॉन लैम्डा, फिर मैंने एच सी अपॉन लैम्डा यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया तो मुझे क्या मुझे क्वेश्चन मिल गया। जब मैंने इस इक्वेशन को पूरा रीअरेंज किया तो मुझे क्या मिला मुझे फाइनल ये इक्वेशन मिल मुझे ये पूरा फाइनल इक्वेशन ये मिल गया ठीक ना। आप ये बोल सकते हो ये जो इक्वेशन है वो किसी से मिला आपका रिवर्स जो एक्सप्रेशन दिया था वो आपका एग्जैक्ट सेम इक्वेशन वही है जिसे हमने क्या हमने यहाँ पे बोस के मॉडल से इसको डिराइव किया, बोस के एनर्जी के फॉर्मूले से इसको डिराइव किया। डन बच्चा आगे बढ़े समझ गए। यस सर यस ओके चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आता है आपका आता है अगर आपको एग्जाम पूछेंगे फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी, फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपको ये कभी निकालना होगा ये आपका एंट्रेंस के लिए ये आपका जेडब्ल्यू की बता रहा हूँ मैं, अगर आपको निकालना आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए आप क्या फॉर्म यूज़ करोगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका जेड स्क्वायर इन टू आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ये आप निकाल सकते हो ठीक है ना। आप ये फॉर्म में करके कोई भी आप किसी निकाल कुछ के लिए हाइड्रोजन आइटम के लिए मतलब क्या आप निकाल पाओगे हीलियम प्लस के लिए एलआई टू प्लस के लिए और आपका बेरिलियम थ्री प्लस के लिए आप निकाल पाओगे, आप खाली इनके लिए निकाल पाओगे आपका आयोनाइजेशन का एनर्जी ठीक है ना। अगर आपको आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन पता है तो आप कह सकते हो लिथियम हीलियम या बेरिलियम के निकाल सकते हो। समझ गए बच्चा पर समझ गए यस इजी तो बेसिकली थोड़ा फॉर्म ये खाली एक फॉर्मूला है इसको वो ध्यान रखना है ठीक है। अभी देखो हम अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशन के बारे में देखो तो क्या हुआ जब हम पहले स्टार्ट करे थे हमने ये देखा कि जो आपका बोस जो मॉडल था वो काफी सही जा रहा था लेकिन क्या लेकिन उन्होंने ये देखा कि नहीं बोस के मॉडल में कुछ शॉर्टकटिंग्स है, बोस के जो मॉडल है उसमें कुछ खामियां है और वो खामियां क्या है मैं आपको अभी समझा दूँ ठीक है ना। काफी बेसिक खामियां है हम पहले खामी तो यही है हमने ये देखा कि जो बोर्स है जो बोर है जो आपका बोर्स का जो मॉडल है वो खाली किसके लिए वो आप खाली हाइड्रोजन लाइक वो आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही है वहां पे आपका हम ही बोल सकते हैं वो आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए है ही नहीं ये आपका पहला इसका ड्रॉबैक था। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था सेकेंड ड्रॉबैक ये था बोर ने क्या बताया बोर ने हर एक उसकी एनर्जी और वो बताया उन्हें ये लेकिन वो बता नहीं पाए कि जब आपका जो स्पेक्ट्रम है जो आपका स्पेक्ट्रम लाइन है वो लाइन स्प्लिट कैसे होती है तो यहाँ पे उन्हें ये बोल सकते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रल लाइन वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता है मतलब क्या स्पेक्ट्रम है मतलब क्या जैसे मान के चलो आपने ये देखा था जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देते हो उसमें क्या आपका एक लाइन है ना वहाँ पे आपका लाइन डिफरेंट लाइन देखा हमने देखा था तो लाइन कैसे स्प्लिट होता है वो एक्सप्लेन नहीं पाया। अब देखो अगर आपका
लाइन स्प्लिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, और आपका लाइन स्प्लिट हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? अगर हम बस बोलेंगे द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको स्टार्क फील्ड बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपका स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या, और आपका लाइन स्प्लिट हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे जीमेन इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसे बच्चों? जीमेन इफेक्ट बोलेंगे, जीमेन इफेक्ट बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों? यल पार्ट डन। यस यस सर। ओके मीनाक्षी बेटा, आर्यन बेटा, बाकी बच्चे समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। तो बच्चा इतना हमने पढ़ रही है ना। अब देखो जो आपका थर्ड आपका लिमिटेशन है, थर्ड लिमिटेशन ये था, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता इसको, ये हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा छोटा कर देता थोड़ा सा। ओके ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट था, ठीक है ना। अब मैं वो थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये था कि वो आपका जो हाइजनबर्ग ने जो इक्वेशन दिया फ्यूचर में, जो उन्होंने, अब देखो यहाँ पढ़ने वाले हाइजनबर्ग के बारे में, आ गया हाइजनबर्ग, लिख रहा है ना। तो हाइजनबर्ग जो प्रिंसिपल दिया था, जो आपका हाइजनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया था, वो आपका बोल्ट्जमैन फॉलो नहीं करता, इसलिए कि आपका ये आपका बोल्ट्जमैन का एक बहुत मेजर ड्रॉबैक था, ये आपका बोल्ट्जमैन का बहुत मेजर ड्रॉबैक था, जो कि हम आगे थोड़ी देर में पढ़े करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो आपका हाइजन का जो प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन नहीं करें, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप एग्जाम लिखो ना, तो अगर आप एग्जाम पे ये दो पॉइंट लिखो, अगर आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बोलोगे तो भी आपको मार्क्स इजी मिल जाए, ठीक ना। इतना क्या था आपकी, इसका लिमिटेशन था। सच पढ़ा बच्चों ये पार्ट इजी, यस नो? यस सर, ओके यस अगेन सर, बच्चों, आगे जो पार्ट है, आगे वाला जो पार्ट है, ये हमारा जो ये हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले ड्यूअल बिहेवियर मैटर के बारे में। अब देखो हमने स्टार्टिंग में ये बोला था, हमने स्टार्टिंग में ये बोला था जो लाइट है, जो लाइट है वो बेसिक क्या था, वो आपका वेव नेचर फॉलो करता, वो आपका वेव नेचर फॉलो करता। फिर हमने साइंटिस्ट ने ये देखा जो लाइट है वो बेसिक क्या था, वो आपका पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, वो आपका क्या करता है, पार्टिकल नेचर फॉलो करता है। तो काउंटर क्वेश्चन ये आया कि जो अगर जो लाइट था वो पहले जो वेव नेचर फॉलो करता, हमने देखा कि वो पार्टिकल नेचर फॉलो कर सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पार्टिकल की, सिमिलर बात करते हैं पार्टिकल, क्या पार्टिकल आपका वेव नेचर फॉलो कर सकता है, क्या पार्टिकल आपका वेव नेचर फॉलो कर सकता है, ये उनका क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन किसने यूज किया था, उन्हें यूज किया था डी ब्रॉगली ने। किसने यूज किया था बच्चों? डी ब्रॉगली ने। बच्चा कुछ बोलो, एकदम शांत मन पर जाओ यार। डी यस ब्रॉगली, सर, ठीक है ना। यस ओके डी ब्रॉगली ने सर, बताया। ओके तो डी ब्रॉगली ने ये बोला था, हाँ तो डी ब्रॉगली ने ये बोला क्या, इन्होंने उन्होंने ये बोला था, कैन पार्टिकल बिहेव लाइक वेव्स, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो अब देखो सिंपल सी बात है, हमने ये माना था, जब हमने पहले पढ़ा था जे थॉमसन ने, उन्होंने ये बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने उसको क्या माना, उसको पार्टिकल माना, उसको पार्टिकल माना। लेकिन जब जब और स्टडी हुआ, हमने ये पाया जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होता है, वो भी आपका वेव नेचर फॉलो करता है, वो भी आपका वेव नेचर फॉलो करता है। कैसे पता चला? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है आपका, वो आपका डिफ्रैक्शन, वो आपका डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस वो क्या करता है, ये जो वेव की जो प्रॉपर्टी है वो आपका इलेक्ट्रॉन भी फॉलो करता है। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ जो आपका जो पार्टिकल, जो आपका मैटर है, जो आपका पार्टिकल है, जो मैटर है वो भी क्या था, वो भी आपका वेव नेचर फॉलो कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया,
डिब्रो ने ये बोला दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो दोबारा पढ़ा दो ये। ललित बेटा समझ में नहीं आया बच्चा ये वाला पार्ट? हेलो, लेफ्ट हो गए थे क्या बच्चा? लेफ्ट हो गए थे। यस सर नेट प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, वापस समझ गया ना। देखो अब देखो, ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं ड्यूअल बिहेवियर मैटर के बारे में। तो स्टार्टिंग में ये बोला था, स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जो लाइट है, जो आपका वेवलेट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, हमने ये देखा कि लाइट आपका पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहा था, ये हमने देखा। फिर साइंटिस्टों ने ये क्वेश्चन पूछा, जो पार्टिकल्स हैं क्या वो वेव लाइक क्या वो वेव लाइक क्या वो वेव नेचर फॉलो कर सकते हैं? जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ? पार्टिकल हूँ, मैं ह्यूमन बनूँ सिंपल से। ये क्या, ये आपका माउस है, ये क्या, ये आपका पार्टिकल है। तो साइंटिस्टों ने ये बोला कि जो पार्टिकल है, ये जो आपका पार्टिकल है, क्या ये वेव लाइक प्रॉपर्टी, क्या ये वेव लाइक प्रॉपर्टी फॉलो करता है? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने ये देखा जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने पहले पार्टिकल माना था, वो आपका एक वेव लाइक वो आपका वेव नेचर फॉलो कर रहा है। क्यों? साइंटिस्ट ने ये देखा, जो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को वो फॉलो करता है। तो उन्होंने ये बोला यस, जो पार्टिकल है वो भी आपका वेव लाइक चीज फॉलो करता है। फिर क्या हुआ? फिर डिब्रोगली आए। डिब्रो ने क्या बोला? डिब्रो ने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने ये बोला दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी। पी क्या है? पी इज मतलब मोमेंटम। पी क्या आपका? मोमेंटम है। पी क्या बच्चों? आपका मोमेंटम है। अब बोलो बच्चों, मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम फॉर्मूला क्या था बच्चों? हाँ एम इनटू वी। एम क्या है? एम मास है, और वी क्या आपका? वेलोसिटी है। वी क्या आपका? वेलोसिटी। जी तो उन्होंने ये बोला, फिर डी ब्रोगली ने एक क्वेश्चन दिया, कौन सा दिया? दैट इज क्या, उन्होंने बोला दैट इज लैम्डा क्या होगा? एच अपॉन एम वी के बराबर होगा। उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने इक्वेशन दिया। और इस इक्वेशन बेस पे आपका एग्जाम में काफी सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफी सारा क्वेश्चन पूछते हैं। अब फिर बाद में ये बोला, फिर उन्होंने ये बोला कि जो रेडिएशन है, उन्होंने बोला बाद में कि जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन है एंड जो मैटर है, जो मैटर है वो भी करता है, वो अभी आपका डुअल भी, वो भी आपका डुअल बिहेवियर शो करता है, वो भी आपका डुअल नेचर को फॉलो करता है, डुअल नेचर को फॉलो करता है। ठीक है बच्चा? तो ये इसका, हमने इसका भावार्थ निकाला, ठीक है ना? तो बेसिक आपको क्या करना है, आपका डी ब्रोगली का इक्वेशन देखना है। तो डी ब्रोगली हमने क्या बोला था? डी ब्रोगली ये सवाल ये उठाया था, क्या जो लाइट था, जो वेव था, वो पार्टिकल नेचर फॉलो करता है? सिमिलरली क्या पार्टिकल वेव नेचर फॉलो करते हैं? तो नहीं, देखा जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पहले पार्टिकल मानते थे, वो क्या रहा आपका? वो भी आपका वेव नेचर फॉलो कर रहा था, वो भी आपका क्या रहा? वेव नेचर फॉलो कर रहा था। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? डन। यस सर ओके, यस अब देखो, अभी हमने अपने पढ़ा, ठीक है ना? अब देखो, अभी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। अभी जो इलेक्ट्रॉन है, या मैं चाहता हूँ कि इसका आप आंसर निकालो। जो इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास कितना होता है आपका? 9.1 × 10⁻³⁻³ kg के बराबर होता है, हमने ये देखा था। सिमिलरली जब हम बात करते हैं वेलोसिटी, जो हम ये देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन की टिपिकल वेलोसिटी वो कितनी होती है, वो आपका होता है 10⁶ m/s, ये आपका 10 m/s होता है, ठीक है ना? ये हमने देखा। अगर आप इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर आपको इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ करना है, तो किस फाइंड करो बच्चों, क्या आंसर आएगा? H/n, इसको यूज करो आप, इसका आंसर निकालो, लैम्डा का वैल्यू निकालो। कम ऑन बच्चा, लैम्डा का वैल्यू निकालो। सिमिलरली मान के चलो मैं एक इंसान हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पीयूष है, जिसका वजन 70 kg है, उनका वजन 70 kg है। मान के चलो पीयूष रन कर रहे हैं, मान के चलो पीयूष जो रनिंग कर रहे हैं, उनकी स्पीड है अराउंड अराउंड 20 m/s। वो 20 m/s रनिंग कर रहे हैं, आप यारो, आप इसके क्या करो, डी ब्रोगली फाइंड करो, आप इसके फाइंड करो, इसके फाइंड करो। मैं चाहता हूँ आप इन दोनों का आंसर निकालो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं तब तक उसके, मैं अपने लिए निकालता हूँ, मेरा वेव क्या नीचे कितना आएगा। आप इसके निकालिए, आप इसके निकालिए, इसका आंसर मुझे बताइए, क्या आंसर आ रहा है? चलो बच्चों कमॉन फास्ट, आया आंसर बच्चा? आंसर आ रहा है बच्चा? सर जी करिए, कमॉन करिए। आप इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए, आप इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए, कमॉन निकाला बच्चा?
कोई आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एकदम शांत पड़ गए क्या? अरे बच्चों आप और मैं ही तो हैं, कुछ बोलिए, आंसर निकालिए, कम ऑन। बस कर 6.626 × 10^34 डिवाइड बाय मास कितना है? 9.1 × 10^31 × 10^6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके आंसर कितना है आंसर? 6.626। ओके आलोक ने आंसर बोला, आलोक ने आंसर निकाला कितना? 7:13 है। कितना आपका आंसर है? तो कमेंट में निकाल देता हूँ, 6.626 डिवाइड बाय 9.1 कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 0.728 × पावर। देखते हैं पावर क्या होगा, यहाँ -34 है इंटू, ये माइनस से तो ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, +31 है × 10^4, यहाँ पे -6 है। तो अगर आप देखोगे 40 - 6 क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 40 - 31 कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे लैम्डा कितना आएगा? 0.728 × 10^-9 इतना आंसर आ रहा है। तो आप क्या बोलो, ये आपका नैनोमीटर में आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो ये जो आपका लैम्डा होगा आपका, ये हम इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर अगर मैं बात करूँ इसके लिए, पीयूष के लिए, तो आप इसका वेव निकालो बच्चों, क्या आंसर आएगा? ये आपका क्या रेंज में है? ये आपका 10^2, ये आपका -9 के रेंज में है। तो आप इसके तो क्या आएगा, आप बोलोगे 6.626 × 10^-34 डिवाइड बाई 70 × 20 क्या आंसर आएगा बच्चों? 0.047 × 10^-34। थैंक यू सो मच जैसिका, आपने आंसर निकाली। अब देखो, अब बता बच्चों इन दोनों में से किसका लैम्डा छोटा है, किसका वेवलेंथ छोटा है? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का कि पीयूष का? है सर पीयूष वाले पीयूष ना? तो आप ये बोलोगे जो पीयूष का है, पीयूष का वेव सबसे छोटा है। मतलब क्या, अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा जो वेव वो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। इसलिए इसलिए जब मैं मूव कर रहा हूँ क्या होगा, मेरे में वेव नेचर है लेकिन हम उसको देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तो वैल्यू कैसा है, आपका वैल्यू एकदम छोटा वैल्यू आ रहा है। लेकिन जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का पावर कितना जा रहा है आपका? इतना में जा रहा है। मतलब क्या, हम इसको इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं लेकिन हम इतने छोटे वैल्यू को हम इंस्ट्रूमेंट से देख नहीं पाएंगे। मतलब क्या, अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मैं आपके वहां पे पार्टिकल रहूंगा लेकिन मेरे में कुछ वेव नेचर होगा लेकिन उस वेव को हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है। हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन में, लार्जर बॉडी विल हैव स्मॉलर, क्या होगा बच्चों? स्मॉलर वेवलेंथ। क्या होगा आपका? स्मॉलर वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ। स्मॉलर लैम्डा होगा। ठीक है बच्चों, समझ गया पार्ट? डन। सर ओके ओके अच्छा इतना मैंने देखा, ठीक है ना? अब देखो कर्ण बच्चों, इसका आंसर निकालो। क्या क्या क्वेश्चन बच्चों निकालो? कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ 3.6 एमस्ट्रॉम। इसका आंसर क्या बच्चों? सिंपल है, अगेन आपको डी ब्रोगली का इक्वेशन यूज करना है। तो क्या यूज करोगे? लैम्डा इक्वल क्या होगा? एच अपॉन एम वी होगा, एच अपॉन एम वी होगा। है कि नहीं बच्चों? आप क्या बोलोगे, सर हमें मास निकालना, तो क्या होगा? मास से होगा, मास से होगा एच अपॉन लैम्डा इंटू वी, ये हो जाएगा। क्या होगा? 6.626 × 10^-34 डिवाइड बाय लैम्डा कितना यहाँ पे? आप बोलोगे यहाँ पे 3.6 एमस्ट्रॉम है। तो क्या होगा? आप बोलोगे 3.6 × 10^-10 मीटर के बराबर होगा। है कि नहीं? यस या नो? यस तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3.6 × 10^-10 मीटर होगा। ओके अब यहाँ तो वैसे दी नहीं है, तो क्या होगा? फोटो मतलब क्या, लाइट। लाइट स्पीड क्या होती है? 3 × मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होगा। निकालिए बच्चे इसका आंसर, निकालिए मास कितना है, जल्दी निकालिए, कम ऑन। 6.135 × 10^-30 लैम्डा कितना? कितना? मेरा आंसर आ रहा है 0.613 × यहाँ पे 10^-34 है यहाँ पर, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10^10 होगा, इंटू ये -8 होगा। क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ?
आंसर आएगा? जसिका बेटा क्या आंसर आएगा? जसिका, शिवांगी बेटा, बेटा क्या आंसर आएगा? 6.135 × 10^-33 एकदम सही, 0.613 × 10^-32 है ना, 32. इतना आंसर आ जाएगा। तो यस, यही आपका आंसर है। अभी बोल सकते हो, अगर हम राइट साइड तो क्या पावर डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा? आप बोलोगे 6.13 × पावर क्या होगा बच्चों? पावर क्या होगा राइट साइड? तो आपका पावर डिक्रीज होता है अगर हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, तो आपका पावर डिक्रीज होता है। क्या पावर क्या आएगा? 33 होगा, 31 होगा, क्या -33 होगा बच्चों? 33 31 होगा ना बच्चों? हाँ, 33 33 होगा, 33 हाँ 33 होगा। ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना, राइट साइड से पावर डिक्रीज होता है। तो आपका 32 बड़ा नंबर है और आपका 33 छोटा नंबर है, माइनस में, ठीक है? तो इसके ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? डन, इजी, यस कोई दिक्कत? सर, यस ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रॉ, हमने क्वेश्चन रॉ निकाला यहाँ पे कुछ, हमने क्वेश्चन नहीं सही तो आंसर निकाला हमने। पावर में कुछ गड़बड़ किया बच्चा, हमने हमने पावर में कुछ गड़बड़ किया है, प्लीज चेक करो वापस। हमने पावर में कुछ गड़बड़ किया है, ये सही किंतु किया न्याय हमने? क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, एक बार निकाल, एक बार वापस चेक करते हैं, एक बार वापस चेक करते हैं। 6.626 / 3.6 / 3, ये आंसर आ गया। ओके, पावर देखते हो बच्चों, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे अपने माइनस ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इतना है, ठीक है ना? तो क्या होगा, 34 प्लस आपका 8 माइनस 10, यही आंसर आ रहा है ना बच्चों? कि दूसरा कुछ आ रहा है आप सभी का? अच्छा हाँ, ये हमारे ग्राम में, ये आपका ग्राम में आंसर आएगा। एकदम से, एकदम सही, ठीक है? हेलो बच्चों, हेलो यस हेलो, सर, यहाँ पर ग्राम में, यस यहाँ पर ग्राम में, यस ठीक है? ये हमारा आंसर, ठीक है ना? ओके सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, छोटे से मैं आपको, और कोई बात नहीं, आगे आगे मैं बता देता हूँ, ठीक है? ओके, आपका क्या बोलते हैं, डिब्रोगली बारे में ही है। चलो यहाँ पे देते, सही रहेगा, इस छोटा कर देते इसको। ओके, अब देखो, ध्यान देना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका एंट्रेंस में आ चुका है, पहले भी आ चुका है। अब देखो, हमने क्या देखा, ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो बच्चों, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? हाफ ½ mv² ½ mv² है ना, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ऊपर मास मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे मास से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना? ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे ½ m² v² / m, होगा बच्चों? होगा। यस अब देखो, सर, ये जो एम वी है, ये मेरा जो एम वी, क्या होगा? आप बोलोगे मोमेंटम, तो क्या होगा? ये आपका मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 m, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमने ये निकाला, दैट इज जो आपका काइनेटिक एनर्जी, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या बराबर है? दैट इज इक्वल टू p² / 2 m के बराबर है ना? हमने ये बराबर है। अब देखो, अगर मुझे निकालना मोमेंटम, तो क्या होगा? आप ये बोलोगे, दैट इज p² = 2 m × काइनेटिक एनर्जी, होगा बच्चों? होगा। यस सर, सर, यस सर, अब अगर अभी मुझे निकालना मोमेंटम, तो क्या होगा? p क्या होगा? p = √2 m × काइनेटिक एनर्जी, होगा? यस सर, अब देखो, यस सर, अभी हमने जो डी इक्वेशन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लैम्डा क्या था, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एमवी, एमवी क्या है? दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी, होगा है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज, इसका फॉर्म क्या होगा? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 टू एम एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगा? ये आप एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये भी जो फॉर्मूला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपका एंट्रेंस में काफी बार पूछा जा चुका है, आपका काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। डन बच्चा, समझ गए? यस या यस नो? सर, यस सर, यस यस सर, सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अभी हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। अब देखो इन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला था, हाइजेनबर्ग ये बोलता कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजिशन, हम इलेक्ट्रॉन का पोजिशन एंड मोमेंटम के नॉट बी डिटरमाइंड, पोजिशन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर बोलो के नॉट बी एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिटरमाइंड इन सेम टाइम। मतलब क्या, एक टाइम पे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का पोजिशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते। उन्होंने उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या था आप बोलोगे, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दैट इज डेल्टा एक्स क्या है आप बोलोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ये आपका पोजिशन का आपका क्या अनसर्टेनिटी है। सिमिलरली पी क्या है आप बोलोगे, डेल्टा पी क्या आपका, ये आपका है अनसर्टेनिटी पोजिशन, ये आपका सॉरी मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम, ये आपका मोमेंटम है ना। क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन फोर पाई, ये आपका एच अपॉन फोर पाई के बराबर होगा, ये आपका एच अपॉन फोर पाई के बराबर होगा। ठीक है बच्चा, समझ गए? यस सर। अब देखो मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं हम, बोलते दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी। मास क्या है, मास आपका छोटा एक फाइनाइट वैल्यू है, हम उसमें असर्टेनिटी नहीं निकाल सकते। हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, ये आपका एच अपॉन फोर पाई बराबर होगा। अगर मुझे डेल्टा एक्स और डेल्टा वी निकालना तो क्या होगा, आप बोलोगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, ये आपका एम के बराबर होगा। तो क्या ये आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। समझ गए बच्चा, समझ गए? यस सर। अब देखो कभी क्या होता है ना, ये आपको ध्यान रखना, कभी 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 एग्जाम ऐसे लिखते हैं जो आपका एच कट, इसको हम बोलते हैं एच कट। एच कट क्या होता है, एच कट होता है आपका एच अपॉन टू पाई, क्या आपका एच अपॉन टू पाई के बारे में बोलता है। अब देखो कभी कभी ऐसे भी लिखे देते हैं, लिख देते हैं दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी या फिर डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच कट बाई टू, ऐसे भी लिखते हैं। तो एच कट मतलब क्या होता है, एच कट मतलब क्या होता है बच्चों, एच 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 बाई टू पाई, एच अपॉन टू पाई होता है। तो क्या होगा अगर मैं एच कट की जगह लेता हूँ मैं एच अपॉन टू, तो आपका अगेन सेम इक्वेशन ये मिलेगा। तो चाहे देखो अगर आपका एच कट बाई टू होगा तो भी सही आंसर होगा, ठीक ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो या चाहे ये लिखो, सबका मतलब क्या है सेम ही है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा बच्चों। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया है, तो उसको प्लीज नोट नोट करना। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एच कट, क्या बोलते हैं एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी निकाला, मतलब क्या, दैट इज अनसर्टेनिटी पोजिशन वर्सेस अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, हमने ये निकाला। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे एनर्जी और टाइम के निकालना तो क्या होगा, उसका भी फॉर्मूला होता है, ये भी आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया है। ये क्या होता है, आप बोलोगे डेल्टा डेल्टा ई, ये मतलब क्या, अनसर्टेनिटी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेन टाइम, क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई के बराबर, ये भी आपका एच अपॉन फोर पाई के बराबर हो। तो ये भी क्या होगा, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन क्या ये आपका स्पेशल केस है, आपका स्पेशल केस है, ये आपका स्पेशल केस है, अगर आप बोलोगे हाँ स्पेशल केस, स्पेशल केस। ठीक है ना, ओके समझ गए बच्चे ये पार्ट, डन? यस सर। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो एक क्वेश्चन करें बच्चा, एक क्वेश्चन करें। यस सर। एक क्वेश्चन करें। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन हमारी ये है, माइक्रोस्कोपिक ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज अ डिस्टेंस, ये आपका दिया है, आपका डिस्टेंस दे दिया, आपका डिस्टेंस है ना ये वाला। ओके, तो डिस्टेंस दे दिया आपका, डिस्टेंस दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है इसका, इसका अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालना है, मतलब क्या हमें डेल्टा वी निकालना है। ये क्या दिया,
ये आपका डेल्टा एक्स, ये आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू दे दी गया, आपको निकालना है डेल्टा वी निकल। तो क्या क्या करोगे, सिंपल सा वन दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन, क्या होगा बच्चों, एच अपॉन सॉरी एच अपॉन फोर पाई। हम इससे देते हैं, अगर मुझे क्या निकालना, अगर मुझे निकालना है डेल्टा वी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या करोगे आप लोगों के डेल्टा वी क्या होगा आपका एच अपॉन सॉरी क्या होगा इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एम इंटू डेल्टा एक्स होगा, होगा बच्चों यस नो, सिंपल है, वैल्यू पुट करो क्या होगा 6.626 इंटू 10^-34 डिवाइड बाई आप क्या हो गए 4 इंटू पाई का क्या आपका 3.14 इंटू मास कितना दिया, मास उल्टा कितना होता है 9.1 इंटू 10^-34 इंटू डेल्टा एक्स कितना आपका, आपका हो आपका 0.1 इंटू, तो क्या होगा आप बोलोगे 0.1 इंटू 10^-10 मीटर के बराबर। अगेन बच्चों इतना लंबा क्वेश्चन कभी आपका एंट्रेंस में नहीं आएगा, तो आपको डरने की बात नहीं है कि ऐसा क्या ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा, तो आपको उसका डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में नहीं आएगा, समझ गए बच्चा, समझ गए yes, इतना लंबा क्वेश्चन yes. कभी नहीं। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा डेल्टा वी इक्वल कितना आएगा, सॉल्व करो बच्चों जल्दी सॉल्व करो, कम ऑन करते सॉल्व 6.626 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 सॉरी 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 जल्दी आप भी सॉल्व करो बच्चों, आप भी सॉल्व करो और जैसे आंसर निकल भी दिया, एक बार वापस चेक करो बच्चों, आई थिंक ये आंसर नहीं है, एक बार ये आंसर चेक करो, ये आंसर नहीं है शायद, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 9.1 डिवाइड बाई 0.1 आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 0.579 इंटू 10^ एक बार पावर सॉल्व करते हैं, पावर क्या आपका यहाँ -34 है इंटू ठीक है ना, और यहाँ पे 31 आएगा है ना, यहाँ पे 31 आएगा, ये आपका 10^-30 + 31 हो जाएगा इंटू 10^ प्लस में हो जाएगा, तो क्या करोगे 41 41 -34 क्या आंसर आएगा 0.579 इंटू 10^ कितना आएगा आपका आंसर आएगा 7, कितना आएगा बच्चों कितना आ रहा है यस यस सर है ना, तो आप yes, एक पॉइंट आगे लगे तो क्या होगा आप बोलोगे 5.79 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, डन बच्चे समझ गए यस सर। देखो बच्चों पावर को प्रॉपरली सॉल्व करने तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक ना, पावर को प्रॉपरली सॉल्व करने तो गड़बड़ हो जाएगा, डन बच्चा यस यस। तो यस बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर हाइजेनबर्ग और हाँ अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया हाइजेनबर्ग का अनसर्टिफिकेशन पढ़ लिया ठीक है ना। अब देखो बच्चों अभी ज्यादा अभी तो काफी टाइम बचा लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट रिवीजन कर देता हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा बेसिकली, अभी हम जितने फॉर्म पढ़ा हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते ठीक है ना। अब देखो पहला फॉर्म में क्या था दैट इज लैम्डा क्या था, क्या फ्रीक्वेंसी क्या था आपका 3/λ, ये आपका पहला फॉर्मूला था ओके। सेकेंड फॉर्म में हमने क्या देखा था, सेकेंड फॉर्म में क्या पढ़ा था बच्चों कमॉन बोलो, तो याद करो बच्चों हमने ये देखा था दैट इज एंगुलर दैट इज एम वी आर इक्वल क्या होगा आपका एन एच अपॉन 2π के बराबर होगा, ये आपका किस फॉर्मूला का एंगुलर मोमेंट का वाला पार्ट है ठीक है बच्चों यस या नो, यस या नो यस सर यस सर। फिर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था दैट इज वेव नंबर क्या होगा आपका 1/λ के बराबर होगा, सिमिलरली अगर मुझे 1/λ फाइंड करना क्या होगा इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/(n1)² - 1/(n2)² ये लिखा था, ये किस लिए आपका जब हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बारे में पढ़ा था, तो हमने ये भी देखा दैट इज 1/λ क्या होगा इक्वल टू 109677 इंटू क्या होगा z² ब्रैकेट में 1/(n1)² - 1/(n2)² एक्स होगा आपका हाइड्रोजन का एटम के लोग, अगर आपका हीलियम होगा आपका
इक्वल टू आएगा, लिथियम होगा तो थ्री आएगा, बेलियम होगा तो फोर आएगा, समझ देगा। ये आपका हम क्या बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये इतना हमने देखा। फिर हमने कौन सा फॉर्म देखा था बच्चों, फिर हम पढ़ा था हमने कौन सा थर्ड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बोले बच्चों, कौन सा फॉर्मूला था जल्दी बच्चों, हमने देखा था रेडियस का, रेडियस ऑफ एन, क्या फॉर्मूला था बच्चों उसका, 0.529 इनटू क्या था बच्चा फॉर्मूला जल्दी बोलो, स्क्वायर अपॉन जेड इनटू आप बोलोगे इसको, इसको साइड कर देते छोटा कर दे इसको, ओके यहाँ लिख दिया हमने, क्या देखा था फॉर्मूला, दैट इज 0.529 इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये क्या था आपका, ये आपका एमस्ट्रोम में आता है ना बच्चों, है कि नहीं। यस सर। अगर मुझे निकालता किसके बारे में, वेलोसिटी के, स्पीड निकालता क्या होगा उसका वैल्यू, आप बोलोगे 2.18 इनटू 10 पावर 6 इनटू क्या होगा जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। हमने देखा किसका उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अगर आपका ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसकी स्पीड क्या होगी। सिमिलरली फिर मैंने क्या देखा था एनर्जी के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देखा एनर्जी क्या था आपका होता है माइनस 13.6 इनटू क्या होता है बच्चों बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको किससे निकालना है, आपको एनर्जी निकालना है जूल में, तो क्या कह जाएगा माइनस 2.18 ये आपका जूल में आएगा। अगर आपको किलो जूल क्या निकालोगे आप बोलोगे 1312 डिवाइड बाय इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आपका किलो जूल पर मोल में आएगा, हमने इतना देखा था है ना बच्चों, है कि नहीं। यस सर। फिर हमने क्या देखा, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ देखा, हमने क्या देखा दैट इज लैम्डा क्या होगा एच अपॉन पी के बराबर होगा, देयरफॉर क्या होगा एच अपॉन एम वी के बराबर होगा, और जो किसके बराबर होगा आपका एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू कैनेडिक या फिर एनर्जी के बराबर होगा। ये हमने फॉर्म देखा। लास्ट में क्या देखा, लास्ट में फॉर्म में ये देखा दैट इज डेल्टा एक्स इनटू दैट इज अनसेंटेड वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम के बाय बराबर। तो बेसिकली अगर आपको इस चैप्टर में इतना फॉर्मूला पता है तो मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ आप ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, ठीक है ना। और समझ गए बच्चा, समझ गए। तो बेसिकली इतना पार्ट हमने किया, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है किसके बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपका जेडी आ चुका है, तो ये पार्ट सब समझ गए बच्चा, यस से नो सारे बच्चे। अब देखो अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये वाला दिख रहा है क्वेश्चन, ये वाला। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा था यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये लिखा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्म हमने ये देखा, हमने ये फॉर्मूला देखा, लेकिन हमें जेड की वैल्यू क्या होगा और एन की वैल्यू क्या होगा हमें वो देखना पड़ेगा। देखो आपका जेड वैल्यू क्या होगा, आपका 2 होगा, क्यों, जेड की आपका एटोमिक नंबर है, जेड की आपका एटोमिक नंबर है, और हम किससे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं किसके लिए, हीलियम के, हम यहाँ पे हीलियम के निकालते हैं, है ना बच्चों, है कि नहीं। यस सर। नो। यस सर। अब देखो इंपोर्ट वाला पार्ट के, इंपोर्ट वाला पार्ट के देखिए, लिखा यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे लिखा आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो जब बात करें ग्राउंड स्टेट, जब बात करते हैं ग्राउंड स्टेट के बारे में, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होगा, एन इक्वल टू वन होगा, क्या आपका एन इक्वल टू वन होगा। सिमिलरली ऐसे लिखा होगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा आपका एन इक्वल टू टू आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिखा होगा आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अगर आपको लिखा होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा आपका एन इक्वल क्या होगा थ्री आ जाएगा, क्या होगा एन इक्वल थ्री आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा आपका सेकेंड एक्साइटेड लिखा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, जेड इक्वल की आपकी टू है क्योंकि हीलियम टू आपका एटोमिक टू होगा, और आपका क्या लिखा आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा, तो मतलब क्या आपका एन क्या हो गया आपका थ्री आ जाएगा। तो मैंने वोट किया, मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर आ गया माइनस 6.4 माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों
एक काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, डन? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, समझ गए वाला पार्ट सर बच्चे? यस सर। यस। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, हम उसमें क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड आपका इस चैप्टर का जो आपका दो पार्ट बचा, दैट इज क्वांटम थ्योरी, वो वाला पार्ट करेंगे और आपका क्वांटम नंबर पढ़ेंगे आप, और उससे चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं, आपका पूरा जेडब्ल्यू के साथ जितने क्वेश्चन हम सब करेंगे, ठीक है ना? तो और 3 क्लास में आपका इस चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन? यस सर। यस सर। तो बच्चों यस, आज के लिए तक काफी है। थैंक यू सो मच एंड यस, कल संडे अगेन, हैव अ नाइस डे। बोलिए सर, आज इतनी क्लास टाइम है, अभी 10 मिनट। क्या समझ में नहीं बच्चा? सर 10 मिनट है अभी। हाँ तो कोई बात नहीं, तो खत्म कर देते ना, कोई इशू नहीं है, खत्म कर दे। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है।